दोस्तों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर प्यार की कोई बंदिशें नहीं होती। ना उम्र मैटर करती है, ना ही धर्म मैटर करता है, तो बस प्यार एक दूसरे के लिए। बॉलीवुड की इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में टेलीविजन के ऐसे 5 कपल्स के बारे में बताऊंगी जो धर्म वगैरह से ऊपर उठकर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। तो चलिए जानते हैं उन टेलीविजन कपल्स के बारे में जिनमें लड़कियां हिंदू हैं और लड़के मुस्लिम हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर हैं टीवी दुनिया के फेमस कपल दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम। दीपिका और शोएब दोनों ही मेन लीड एक्टर्स हैं जो कि काफ़ी शोज में काम कर चुके हैं, और ऐसे ही एक शो ससुराल समरका में इन्होंने हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था ससुराल समरका, और उस वक्त दीपिका ऑलरेडी मैरिड थी। इनके हस्बैंड का नाम रौनक था और इन दोनों के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उस वक्त दीपिका ने 2015 में अपने एक्स हस्बैंड रौनक से डिवोर्स ले लिया, और उस मुश्किल वक्त में शोएब ने दीपिका को काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके चलते ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। और तभी फिर नच बलिए सीजन 8 के दौरान शोएब ने दीपिका को शादी के लिए प्रपोज किया, और फिर 2018 में इन दोनों की शादी हो गई। और आज ये लोग टीवी के साथ साथ यूट्यूब पर भी काफ़ी पॉपुलर हैं, जहाँ ये अक्सर ब्लॉगिंग करते हैं और लोग इनके ब्लॉग्स को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपिका ने शादी के बाद अपना नाम चेंज करके फायजा रख लिया। लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं डेवोलिना भट्टाचार्य जी और शाहनवाज। डेवोलिना एक बंगाली हिंदू हैं और एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं जो कि साथ निभाना साथिया शो के गोपी बहू के कैरेक्टर से बहुत जानी जाती हैं। इनकी दोस्ती साथ निभाना साथिया फेम एक्टर विशाल सिंह से भी काफ़ी अच्छी है, जिससे कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डेवोलिना ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड शाहनवाज से शादी करके सभी को शॉक कर दिया। शाहनवाज एक फिटनेस ट्रेनर हैं और मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और डेवोलिना के इस फैसले से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हुई, इंक्लूडिंग हर ओन फैमिली मेम्बर्स। लिस्ट में अगले कपल हैं राखी सावंत एंड आदिल खान। राखी एक पॉपुलर कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट्रेस हैं जो कि अपनी बेबाकी और बोल्ड अंदाज की वजह से जानी जाती हैं। हालांकि राखी पहले भी शादी कर चुकी हैं, लेकिन वो पब्लिसिटी के लिए थी या रियल में इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और हाल ही में वो अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ घूमती हुई मीडिया में नजर आती हैं, जिनके क्लिप्स आए दिन आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। और खबरों की माने तो राखी और आदिल ने हाल ही में कोर्ट मैरिज की है, जो कि आदिल और राखी ने दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके अपने फैंस को बताया है। बाकी आपको क्या लगता है, राखी का इस बार का ये सीन रियल है या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट, इस बारे में आप कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताना। लिस्ट में अगले कपल हैं जैस्मीन भसीन और अली गोनी। जैस्मीन और अली टीवी की दुनिया के एक जाने माने चेहरे हैं जो कि बहुत से टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। जैस्मीन और अली ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में एक साथ पार्टिसिपेट किया था, जहां से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई, और जब बिग बॉस 14 में ये दोनों साथ में आए तब ये दोस्ती प्यार में बदल गई, और इन दोनों के प्यार ने सलमान खान तक को रुला दिया, जहाँ जैस्मीन शो में कई बार अपने प्यार का इजहार करती भी नजर आई। और कुछ टाइम पहले ही अली ने भी शादी के लिए जैस्मीन को प्रपोज किया था, और शायद दोनों जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। कि आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताना। लिस्ट में नेक्स्ट और लास्ट कपल हैं शिवांगी जोशी और मोहसिन खान। मोहसिन और शिवांगी भी टेलीविजन के जाने माने चेहरे हैं, जहाँ इन्होंने साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता शो किया था, जिसमें इन्होंने हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया था, और उसी शो के दौरान ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे, और इन्होंने मीडिया में रिवील भी किया था कि ये एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बताते नजर आए। लेकिन हाल ही में ये साथ में हैं या फिर सेपरेट हो चुके हैं, इस बात पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही अपनी इस बात को प्राइवेट रखना चाहते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ टेलीविजन के वो कपल्स जो रिलीजन से तो डिफरेंट हैं लेकिन प्यार से शायद एक। बाकी आपका फेवरेट कपल कौन सा था कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।
बाकी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट में नेगेटिव ना लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।